नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही फेमस सॉन्ग है जिसके बोल हैं, छाप थिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। तो आज इसको हम नोटेशन के साथ बिल्कुल इजी से इजी करके हम इसमें बजाना सीखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आइए दोस्तों, और देर न लगाते हुए हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें सॉन्ग की स्केल की। तो हमें सॉन्ग को सीखने वाले हैं दोस्तों पहला खाला यानी सी शार्प मेजर से। तो इसमें कौन कौन सी की यूज होंगी वो भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सा रे गा तीब्रमा पा धा नी और सा। इसी के साथ साथ इसमें शुद्ध मध्यम का भी प्रयोग होगा, यानी हमारा जो राग बनेगा वो राग बनेगा यमन। दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं हम इस सॉन्ग का स्थाई। स्थाई में आती है पहली लाइन जिसके बोल रहे हैं छाप थिलक सब छीनी रे। सबसे पहले इतनी लाइन को बजाते हैं फिर सीखते हैं। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है छाप। छाप के लिए एक बार सा और दो बार गा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा थिलक। थिलक के लिए दो बार गा और एक बार रे। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा सब। सब के लिए एक बार गा और एक बार धा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा छीनी रे। छीनी रे के लिए पा इब्रमा गा और रे। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों सेकंड लाइन जिसके बोल हैं मोह से नैना मिलाए के। तो इसको भी बजाते हैं फिर सीखते हैं। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है मोह से। मोह से के लिए सा और नी। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा नैना। नैना के लिए सा और रे। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा मिलाए। मिलाए के लिए मा गा रे। और लास्ट में शब्द आएगा खे। खे के लिए गा और सा। अब इन दोनों लाइनों को हम एक साथ बजाकर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। छाप थिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाए के। देखिए, इसके बाद आती दोस्तों आगे लाइन जिसके बोल हैं नैना मिलाए के मुँह से नैना मिलाए के। तो इसको भी पहले बजाते हैं फिर इसको भी सीखते हैं। देखिए, बहुत ही जी। सबसे पहला शब्द है नैना। नैना के लिए एक बार सा एक बार गा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा मिलाए के। मिलाए के लिए एक बार थीब्रमा दो बार पा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा मोसे। मोसे के लिए दो बार पा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा सेना। सेना के लिए एक बार पा और दो बार धा। लास्ट में शब्द आएगा मिलाई के। मिलाई के लिए पा नी धा पा और थीब्रमा। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट लाइन जिसके बोल हैं मतवारी कर धीनी रे मोह से नैना मिलाए के। तो इसको भी बजाते हैं फिर इसको भी सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द है मतवारी। मतवारी के लिए एक बार सा तीन बार गा और एक बार रे। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा खर। खर के लिए एक बार गा और एक बार धा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा धीनी रे। धीनी रे के लिए पा तीब्रमा और गा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा
मोसे, मोसे के लिए सा और नी, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा नैना, नैना के लिए सा और रे, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा मिलाए, मिलाए के लिए मा गा रे और लास्ट में शब्द आएगा के लिए एक बार गा और एक बार सा। दोस्तों जैसे ही ये लाइन कंप्लीट होगी आपका जो स्थाई है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हमने अपना स्थाई कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सीखते हैं अंतरे की पहली लाइन जिसके बोले हैं हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी भैया। तो इस लाइन को पहले भयाते हैं फिर इसको सीखते हैं। देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहला शब्द है हरी, हरी के लिए दो बार सासा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा फिर से हरी, हरी के लिए एक बार गा एक बार थी ब्रह्मा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा छुड़ियां, छुड़ियां के लिए तीन बार हमें बजाना है पापा, ठीक है। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा गोरी, गोरी के लिए पा और धा, उसका नेक्स्ट बार फिर आएगा गोरी, फिर से नेक्स्ट बार जो गोरी आएगा उसके लिए धा और पा, उसका लास्ट में शब्द आएगा भैया, भैया के लिए नी धा पा और थी ब्रह्मा, ठीक है। अब इस लाइन को कंप्लीट एक बार फिर से देखते हैं आराम से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन आती है जिसके बोले हैं बहिया पकड़ धर लीनी रे मुझे नैना मिलाए के। तो इस लाइन को भी बजाते हैं फिर सीखते हैं। देखिए सबसे पहला शब्द है भैया, भैया के लिए एक बार सा दो बार गा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा पकड़, पकड़ के लिए दो बार गा एक बार रे, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा धर, धर के लिए एक बार गा एक बार धा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा लीनी रे, लीनी रे के लिए पा तीब्रमा और गा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा मोसे, मोसे के लिए सा और नी, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा नैना, नैना के लिए सा और रे, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा मिलाए, मिलाए के लिए मा गा रे और लास्ट में शब्द आएगा के लिए गा और सा। जैसे ही दोस्तों ये लाइन कंप्लीट होगी तो हमने जो स्थाई में जो पहली लाइन सीखी है छाप थेलक सब थीनी रे मुसे नैना मिलाए के, वही की वही लाइन फिर से रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ आपका जो अंतरा है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने ये अंतरा सीखा है इसी अंतरे के आधार पे इस सॉन्ग के जो बाकी अंतरे हैं उनको आप बजा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपका वीडियो जो है कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।